अब हम देखेंगे संभावना का सम नंबर 10। सम नंबर 10 में यह सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एक गल्ला में 50 पैसा ना 100 सिक्का, रुपया एक ना 50 सिक्का, रुपया बे ना 20 सिक्का अने रुपया 5 ना 10 सिक्का छे। ज्यारे गल्ला ने ऊंधो करवामां आवे तो त्यारे गल्ला मांथी कोई एक सिक्को बहार पड़े तो ते सम संभावी होय तो सिक्का पहला क्वेश्चन ने 50 पैसा नो सिक्को हशे, दूसरा क्वेश्चन ने 5 रुपया नो सिक्को नहीं होय तेनी संभावना केटली। अब गल्ले में अलग अलग सिक्के है, अब गल्ले में कोई एक सिक्का गिरता है, कौन सा गिरता है, सबकी संभावना मारू कैसी दी है, सरखी दी है, सम संभावी दी है, तो कोई भी सिक्का गिर सकता है। अब यहाँ पे लिखा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 100 सिक्के, 1 रुपये के कितने सिक्के, 50 सिक्के, 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 20 सिक्के, और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के, 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 10। टोटल सिक्के कितने हमारे, सरवाड़ा करेंगे 100, 50, 20 और 10, 180। तो ये हमारे कुल परिणाम मिल गए, हमारू क्या मिले, कुल परिणाम। और संभावना का नियम क्या है, सानुकूल परिणाम भाग्या कुल परिणाम। और जो हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया वो हमारा एम हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, एम। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोला, 50 पैसा नो सिक्को हसे, जो सिक्का गिरा वो 50 पैसे का होगा ऐसा पूछा है हमारे को, तो हम इसकी संभावना ढूंढे। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 50 पैसे के सिक्के कितने, 100 सिक्के, तो 100 में से कोई भी सिक्का गिर सकता है। अब सूत्र हमारा क्या हुआ, पी ए बराबर एम भागाकार में क्या आएगा, एन। एम कितना है हमारा 100, और एन कितना है हमारा टोटल 180। 0 0 कट तो हमारा कितना ये आंसर बचा, 10 के भागाकार में कितना आएगा, 18। अब 10 के भागाकार में 18 दोनों कौन से घड़ियों में आते हैं, 2 के घड़ियों में आते हैं, 2 5 10, 2 9 18, 2 2 कट हो गए तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5/9 ये हमारा आंसर आएगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे रुपया 5 नो सिक्को न हो, रुपया 5 नो सिक्को न हो। अब यहाँ पे हमारा सवाल पूछा 5 का सिक्का लेने का नहीं, तो 5 के सिक्के कितने, 10 सिक्के हैं, तो 5 का सिक्का न हो तो कौन से सिक्के होंगे, 50 पैसे का सिक्का होगा, 1 रुपये का होगा या तो 2 रुपये का होगा, तो टोटल कितने सिक्के हो गए, ये कुल सानुकूल बनाओ कितने हो गए, 50 पैसे के 100 सिक्के, 1 रुपये के 50 सिक्के और 2 रुपये के 20 सिक्के, तो टोटल कितने हो गए हमारा, ये 150 और 170 एम हो गया हमारा। अब सूत्र हमारा क्या होगा, BB बराबर m/n, m कितना है 170, n कितना है 180, 0 0 कट तो हमारा आंसर कितना आएगा, 17/18 हमारा आंसर कितना आएगा, 17/18। आगे भाग, अगर तुम्हारा भागाकार करना हो तो भागाकार करके पॉइंट में भी आंसर ला सकते हो, और ये आंसर रखना हो तो ये भी आंसर रख सकते हो।